गुड मॉर्निंग बच्चों, निकाल जी 8 क्लास की हिंदी की बुक। थर्ड वाला लेसन चल रहा था, क्वेश्चन आंसर चल रहे थे इसके, बस की यात्रा। इसमें मैंने 4 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए आपको। पांचवा क्वेश्चन देखिए, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को दुश्मन क्यों समझ रहा था? क्योंकि गाड़ी के सारे पुर्जे हिल रहे थे, गाड़ी कभी भी पलट सकती थी, कभी भी हम मौत के मुंह में जा सकते थे। तो इसमें देखिए, पेज नंबर निकालिए 15 पेज नंबर पे देखिए, नीचे से थर्ड वाला पैराग्राफ, नीचे से थर्ड वाला पैराग्राफ, ऊपर से भी थर्ड वाला ही है। 15 पेज नंबर पे थर्ड वाला पैराग्राफ देखिए, मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। किसके हिस्से पर? बस के हिस्से पर। यहाँ से लगा लेना, मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टेयरिंग टूट सकता है, प्रगति के दृश्य बहुत लुभावने थे, दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता, डर लगता कि बस इससे टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि बस इसमें अब सब गोता लगा जाएगी। यहाँ तक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पार्ट से आगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में, किस उद्देश्य से तथा कब हुआ? इतिहास की उपलब्ध पुस्तकों के आधार पर लिखिए। तो इसमें आंसर लगा के लिखिए, महात्मा गांधी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। यहाँ से लिखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में सन 1930 में दांडी मार्च के साथ आरंभ हुआ। इसका प्रथम चरण सन 1931 में समाप्त हुआ। और दूसरे चरण का आरंभ सन 1934 ईस्वी में हुआ। तथा यह अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था। तथा यह अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था। तथा यह अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था। उस समय भारतीय समाज की दशा अत्यंत दयनीय थी। गरीब लोग केवल नमक के साथ रोटी खाकर पेट भरते थे। गरीब लोग केवल नमक के साथ रोटी खाकर अपना पेट भरते थे। ऐसे पर अंग्रेजों ने नमक पर
नमक पर भी टैक्स लगा दिया, नमक पर भी टैक्स लगा दिया, नमक पर भी टैक्स लगा दिया। इससे गांधी जी तिलमिला उठे, इससे गांधी जी तिलमिला उठे। उन्होंने गुजरात के साबरमती आश्रम से, उन्होंने गुजरात के साबरमती आश्रम से ढाई सौ किलोमीटर की पैदल यात्रा करके समुद्र किनारे बसे दांडी गांव में नमक बनाकर कानून भंग किया। आज भी यह नमक गांधी संग्रहालय में सुरक्षित है। इस आंदोलन में सरोजिनी नायडू ने कौन से आंदोलन में? सविनय अवज्ञा आंदोलन में सरोजिनी नायडू ने उनका पूरा साथ दिया। इसे दांडी यात्रा नमक सत्याग्रह व सविनय अवज्ञा आदि नामों से पुकारा जाता है। अब आपके यहाँ जहाँ सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्वेश्चन आ रहा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में किस उद्देश्य से कब हुआ, तो सविनय अवज्ञा की जगह आपके आ सकता है दांडी यात्रा भी आ सकता है और नमक सत्याग्रह भी आ सकता है। तो तीनों में कोई सा भी अगर आपके ऑप्शन आता है, पॉइंट आता है, तो आपको यही आंसर करना है। कंफ्यूज मत होना है। सविनय अवज्ञा भी कहते हैं इसको, दांडी यात्रा भी कहते हैं और नमक सत्याग्रह भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कल करेंगे। थैंक यू।